बैन हुआ भी है, इट विल कम बैक, इट माइट कम बैक इन अ डिफरेंट वे। भाई साहब 10-10 रुपए का बहुत सारे गूगल पे का रिडीम कोड आप कैसे ले सकते हो और फ्री प्रमोशन मेरे चैनल पे कैसे करवा सकते हो, वीडियो के एंड में बताया, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। एमआरके की तरफ से एमआरके न्यूज में आपका ओपी वाला वेलकम। तो भाई साहब यहाँ पे 2-3 दिन से सिर्फ और सिर्फ हर जगह फ्री फायर बैंड, फ्री फायर बैंड, फ्री फायर बैंड यही सुन रहे हो और हर जगह न्यूज चैनल तक यहाँ पे चल रहा है कि गैरेना फ्री फायर बैंड हो गया है और यहाँ पे बहुत लोग मजे भी ले रहे हैं और बहुत सारे बच्चे टेंशन में आ गए हैं। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्री फायर तो सही में अभी बैंड हुआ है लेकिन यहाँ पे फ्री फायर वापस से अनबैन होने जा रहा है। पहले आपको बता देता हूँ बैन होने का प्रूफ। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्री फायर ई स्पोर्ट्स इंडिया का ये ऑफिशियल पेज है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रहा फ्री फायर ई स्पोर्ट्स इंडिया का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज और यहाँ पे आप देख सकते हो जो लास्ट पोस्ट है, आप देख सकते हो आपके सामने ये वाला पोस्ट सबसे लास्ट है और ये 2 दिन पहले पोस्ट किया गया है। यहाँ पे आप नीचे देख भी सकते हो 2 डेज अगो। और इसी के साथ साथ में इंडिया ऑफिशियल फ्री फायर का ये इंस्टाग्राम पेज है और यहाँ पे जो लास्ट पोस्ट है ये वाला आप देख सकते हो, ये जो पोस्ट है उसको 1 दिन हो चुका है, 1 डे अगो हो चुका है और अभी तक यहाँ पे फ्री फायर ने कहीं पे भी कुछ भी अपना पोस्ट नहीं किया है। और जैसे कि आपको पता है फ्री फायर डेली 3 से 4 पोस्ट करते रहता है लेकिन यहाँ पे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं कर रहा है अपने पेज पे। तो इसका मतलब यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि फ्री फायर बैंड हो गया है। अभी यहाँ पे फ्री फायर कुछ ना कुछ लीगल एक्शन लेगा या अपना कुछ ना कुछ हमारे इंडियन गवर्नमेंट से बात कर रहा है, ये तो 100% आप कंफर्म है कि फ्री फायर बैंड हो गया है। अभी आप बोलोगे यार फ्री फायर मैक्स क्यों नहीं बैन हुआ है, तो भाई साहब यहाँ पे अभी इसके बारे में भी कुछ अच्छे से अपडेट नहीं है। यहाँ पे अभी फ्री फायर मैक्स क्यों बैंड नहीं हुआ है, लेकिन भाई साहब अगर फ्री फायर बैन हुआ है तो हमारा गैरेना फ्री फायर मैक्स भी बैन होगा। और हाँ यहाँ पे अभी से आपको बता दूं, आप लोग अपनी आईडी को जल्दबाजी में बेचना मत वरना आप स्कैम के शिकार हो जाओगे और सस्ते में बेच के आप अपना ही लॉस करोगे क्योंकि गेम वापस आ रहा है। यहाँ पे अभी से आपको बता दूं पूरे इंटरनेट पे आपको अभी कोई नहीं बताएगा कि यहाँ पे गेम वापस आ रहा है, लेकिन आपको मैं अभी से बता देता हूँ जो हमारा गेम है फ्री फायर ये बैन तो हो गया है लेकिन ये वापस भी आ रहा है, इसका भी आपको प्रूफ बता देता हूँ। इससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं हमारे एमआरके न्यूज चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री में होता है, तो देर ना करें अभी सब्सक्राइब करें। तो जैसे कि मैंने आपको अभी ये इंस्टाग्राम का जो पेज है इंडिया ऑफिशियल का ये वाला आपको दिखाया, अगर कोई भी चीज बैन हो जाती है तो उसको हर जगह से रेस्ट्रिक्शन मिल जाता है कि यहाँ पे आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। तो जैसे कि इंडिया फ्री फायर बैन हो चुका है तो उसके इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे फ्री फायर एक भी पोस्ट नहीं कर सकता है और अगर इंडिया ऑफिशियल फ्री फायर इंस्टाग्राम पेज पे अगर आपको वापस से पोस्ट देखने मिलेगा तो समझ लो फ्री फायर वापस आ गया है, लेकिन अभी वापस तो नहीं आएगा, अभी यहाँ पे टाइम लगेगा। पहले आपको प्रूफ बता देता हूँ कि हमारा वापस सही में आ रहा है या सिर्फ मैं इसे हवे में बात कर रहा हूँ। तो बस ये बंदा तो आपको पता ही है, ये है मम्मा एसआर, आप लोगों को बहुत लोगों को पता है, नहीं पता तो आपको बता दूं ये हमारा जो फ्री फायर का टूर्नामेंट होता है तो ये टूर्नामेंट में हमारे कॉमेंट्री करते हैं मम्मा एसआर और साथ साथ में ऑरा गेमिंग। तो यहाँ पे ऑरा गेमिंग के बारे में मैंने तो आपको बता ही दिया था कल, तो यहाँ पे मम्मा एसआर भी आज आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सुन लो मम्मा एसआर क्या बोल रहा है। But the game will not stay away from the Indian market. That's one thing for sure. That's what I'm telling you. ये same चीज PUBG Mobile के साथ हुई थी, same चीज Free Fire के साथ हो रही है। BGMI वापस आया था, Free Fire I'm sure they'll make a different port and they'll bring it back if it has been banned. So don't speculate and don't spread rumors is all I'm going to tell you. Just you know, calm down. तो यहाँ पे आप ये भी सुन लो Mamba SR क्या बता रहा है। The thing is कि अगर ban हुआ भी है, it will come back. It might come back in a different way, but nobody, no publisher, no game can look away from a market as big as India. So you don't have to worry about that. तो यहाँ पे आप सुन लो कि Mamba SR क्या बता रहा है। Even if it is banned, right? Even if you can't access the game, even if it gets banned, I'm sure the people who are involved in this, वो एक रास्ता निकालेंगे। You've seen what happened with PUBG Mobile. PUBG Mobile banned हुआ था, but BGMI के रूप में वापस आया था. So even if it does get banned. It doesn't mean that it will never come back. It will come back. Free Fire Max तो है ही है, obviously. तो यहाँ पे आपने सुना कि Mamba SR ने यहाँ पे कंफर्म बता दिया कि अगर बैंड हो गया है तो यहाँ पे आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से PUBG Mobile बैंड हुआ था तो वापस आया था इंडिया मार्केट में BGMI के रूप में, तो यहाँ पे अगर Free Fire बैंड किया गया है तो Free Fire भी एक नए मोड में आएगा वापस और यहाँ पे आपकी आईडी जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी, ना तो आपकी आईडी में कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे आपके पास बंडल्स थे, जैसे भी स्किन्स थी, सब कुछ
कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना तो पैनिक करने की जरूरत है। आप अपनी आईडी बेचो मत जल्दी के चक्कर में, क्योंकि भाई साहब अभी आप सोचोगे कि पबजी तो बहुत लेट आया था, तो यहाँ पे पबजी के उसमें एक अलग से सीन हो गया था और हमारे फ्री फायर के अंदर एक अलग सीन है। पबजी जब बैंड हुआ था तो पबजी के पास कोई सर्वर नहीं था, और अभी हमारा फ्री फायर बैंड हुआ था और हमारा फ्री फायर के पास इंडियन सर्वर है। तो इसके कारण इंडियन सर्वर की वजह से ही फ्री फायर बहुत जल्दी वापस आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे अपना अंदाजा लगाऊं तो मुझे लगता है कि 30 डेज के अंदर अंदर फ्री फायर वापस आ जाएगा। मतलब पकड़ लो कि जो हमारा OB33 अपडेट आने वाला है, वो अपडेट से पहले पहले आपको फ्री फायर वापस देखने मिल जाएगा। जब तक के लिए आप फ्री फायर मैक्स में मजे लो। अगर फ्री फायर चल रहा है तो फ्री फायर में लो, अगर फ्री फायर नहीं चलेगा तो फ्री फायर मैक्स में लो, क्योंकि फ्री फायर मैक्स में गेम प्ले भी बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आपका मोबाइल कॉम्पेटेबल नहीं है फ्री फायर मैक्स के लिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको बता दूंगा किस तरीके से उसमें आप चला सकते हो आपके 2GB या 3GB रैम वाले मोबाइल में। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरा सा इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को अपने फेसबुक और सब पे शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई साहब ये वीडियो के लिए मैंने दिया है गूगल प्ले का रिडीम कोड, लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन दोनों जगह है रिडीम कोड की, वो लिंक पे क्लिक करके आप आ जाओगे मेरे सेकंड चैनल पे एमआरके लाइफ पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ में कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी रिडीम कोड की, ये लिंक पे क्लिक करके आप रिडीम कोड ले लेना। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से लेना तो कमेंट में लिंक है हाउ टू रिडीम वाली, ये लिंक पे क्लिक करके आप देख लो किस तरीके से रिडीम करना है। और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम के लेटेस्ट कमेंट में आपको दिख जाएगा किसको किसको रिडीम कोड मिला प्रूफ के साथ, जो कि टेलीग्राम पे आपको नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिलता है जिससे रिडीम कोड आप टाइम पे ले सकते हो, और यूट्यूब की नोटिफिकेशन आपको लेट मिलती है। भाई साहब ये प्रमोशन बिल्कुल फ्री में हो रहा है, अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है आपके फ्रेंड का तो आप भी अपने चैनल का प्रमोशन बिल्कुल फ्री में मेरे चैनल पे करवा सकते हो। कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्री प्रमोशन की, वो लिंक पे क्लिक करके आप पार्टिसिपेट कर लो और नेक्स्ट वीडियो में आपके भी चैनल का प्रमोशन बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। तो भाई साहब डेविड गेमिंग 10 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, कमेंट डिस्क्रिप्शन दोनों जगह लिंक है।